वीडियो भी पैसे देगी। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट PRT 10,000 हम रेट लिखेंगे 0.12 multiply by 5 years इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 12 × 5 × 60 हमें तो 0.60 multiply by 10,000 तो ये बन जाएगा अराउंड 12.12 multiply by 5 multiply by 10,000 ये बन गया 6,000 सिंपल इंटरेस्ट बन। अब हम निकालेंगे आमिद कंपाउंड इंटरेस्ट। आमिद कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रिंसिपल को, उसको लेके 1 + i की पावर क्या लेंगे, i की पावर हम लेंगे n। अब पावर कहाँ से आते हैं, भूल गया हूँ, ये मिल गया पावर n। आमिद आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा आमिद ये यार करना यार इसकी कैलकुलेशन 1 + आपको कैलकुलेटर है पास? जी जी हाँ, ये जरा इसकी कैलकुलेशन करो। तो पहले 1.12 की पावर आप 5 लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर लेना। एक्सेल खोल रहा था एक सेकंड। पार क्या लेनी है 5, चलो मैंने ले दिया। ये बन गया है 7,623। इसमें से ना -1 हमें इसमें ना -1 भी है यहाँ पे। नेक्स्ट पे ना 1 + i की पावर n और n से ना आगे ये पावर -1 भी है। यहाँ पे क्या है -1 भी है, यानी ये और ये इसके दरमियान, यानी इसकी आप पावर लोगे ना 5 और यहाँ से फिर माइनस, जब इसको पहले इसकी आप क्या लोगे 1.12 की पावर 5 फिर -1 और फिर उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई 762.34। हाँ अब हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन सिंपल ड्यू टू इट्स कंपाउंडिंग इफेक्ट्स। ठीक हो गया, कोई एक आध और लाइन लिखनी हुई तो आप इधर उससे देख के लिख सकते हैं। अच्छा अब वो कहता है रिटेलर परचेज द कॉस्ट ऑफ इतने एंड एडिड द मार्कअप ऑन इतने। हाँ मैं ये बड़ी यार एक इंटरेस्टिंग चीज थी और इसमें व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था। चलो आज आपको बताता हूँ। आपने ना यहाँ पे ऐसा लिख लेना है, कॉस्ट लिख लेनी है 40.5, चलें जी हो गई 40.5 हो। अब यहाँ पे आपने एक और लिखनी है कॉस्ट, फिर से लिखनी है सेलिंग प्राइस, ठीक है सेलिंग प्राइस, और फिर से लिखना है प्रॉफिट। ये 3 चीज़ें लिखनी है। अब आप देखें 25% प्रॉफिट को मार्कअप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कअप भी बोलते हैं। हम 25 लिखेंगे यहाँ, ठीक हो गया। अच्छा ये 25 किस पे लेना है आमिद? ये देखो यार सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस को रखना है 100 और कॉस्ट बन जाएगी 75। ठीक हो गया। अब ये मैंने कैसे निकाली, अगर ये होती ना 25% ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट को 100 रखते, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता और सेलिंग प्राइस 125 बन जाता। ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या निकालने जा रहे हैं, हम इसकी निकालने जा रहे हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है सेलिंग प्राइस के लिए आप क्या यूज करोगे, वो देखो ना वो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द फाइनल सेलिंग प्राइस। पहले हम यहाँ से सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम सेल प्राइस भी बोल सकते हैं, आप सेलिंग प्राइस लिख लेना। मैंने अच्छा कॉस्ट, सेलिंग प्राइस अगर 100 हो तो कॉस्ट कितनी है आमिर? 75। अगर सेलिंग प्राइस ना पता हो हमें और कॉस्ट को 40.5, तो फिर क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, एक्स इज इक्वल टू 40.5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 75, हमारी क्या निकल आएगी, सेलिंग प्राइस निकल आएगी। ठीक हो गया हमें, ये मैंने इसको सिंपल अरिथमेटिक्स से किया है, सिंपल अरिथमेटिक्स से डिवाइडेड, तो ये कॉस्ट निकल आई है 54। अब वो कहता है आइटम इज मार्क डाउन, अब इसकी प्राइस कम कर दो, अब इसकी प्राइस क्या कर दो, कम कर दो। तो जब आप इसकी प्राइस क्या करोगे, कम करोगे, ठीक है, ये मैं एक फार्मूला भी यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब आप क्या करोगे, अच्छा ये फार्मूला ना आपकी उसमें लिखा हुआ है, वो जो है क्या नोट्स में लिखा हुआ है। अब भला इसमें वाला आप पुट करें, कॉस्ट कितनी है 40.5 प्लस सेलिंग प्राइस कितनी है हमें, सेलिंग प्राइस है हमारे पास, हमने 100 सपोज की थी, 100 का आप कितने परसेंट लोगे, 25% लोगे, ये ज़्यादा काम हो जाना। वैसे एग्जैक्ट आंसर ये है, ये आंसर ये है, ठीक है। ये मार्कअप अगर होता ना सेल पे, ये भी सेल पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस, बस इसको सिर्फ हमें सैंपल के तौर पे लिख देना, ये आंसर एग्जैक्ट ठीक है। ये मैंने अपने 50 साल तजर्बे में बड़ी मुश्किल से ये चीज़ मुझे किसी टीचर की समझ नहीं आई कि ये इसको कैसे किया जाता है। ये जो होती है ना हमें 25% ऑन कॉस्ट 25, तो फिर मैंने अपना ये एक फार्मूला बनाया, पहले ये बनाना फिर ये प्रपोर्शन बनाना, आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। अच्छा अब न्यू सेलिंग प्राइस पे आ जाओ हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है यार, ये हमें नीचे फार्मूला दिया हुआ है, ये देखो, सेलिंग प्राइस लेंगे 1 माइनस मार्क डाउन। सेलिंग प्राइस हमने कितनी निकाली है 54, 54 में हम क्या करेंगे, हमें 1 माइनस 7% कर देंगे। तो अब जब हम 7% करेंगे तो 0.93 बच जाएगा, 0.93 बच जाएगा। चलो तो अब फाइनल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 0.93, 50.22 प्राइस क्या आ गई 50.2। चलो तो ये इसकी फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगी 50.22 होगी। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, आप इसको 100% भी लिख सकते हैं, या इसको 1 रहने दें और इसको लिख दें 0.07, 0.07। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। समझ आएगी। अब आमिर बताए आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को जब करना है ना तो इसको इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और इसकी एडिटिंग कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो ताकि किसी और स्टूडेंट